एक इंसान के लिए मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है और कोरोना की पार्श्वभूमि पर भूख से मजबूर एक युवक ने होटल में चोरों की तरह अपनी भूख मिटाने पहुंचा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। कोरोना का संक्रमण इस समय देश और दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना ने एक प्रकार से दहशत के साथ आर्थिक रूप से भी सभी की कमर तोड़ दी है, मगर इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो दैनिक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले वे लोग, कि किस प्रकार कोरोना के संकट में उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। और एक ऐसी घटना चंद्रपुर में घटी, एक युवक जिसे काफी भूख लगी और यह एक होटल में घुसा। होटल में मौजूद वहाँ पर नोटों की गड्डियों को उसने हाथ नहीं लगाया और वहाँ पर खाने पीने की जो वस्तु थी उसे खाकर वह चलता बना और यह सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी यह है कि चंद्रपुर नागपुर महामार्ग पर होटल सचिन है और चंद्रपुर शहर से कुछ ही दूरी पर यह होटल है और यह हाईवे पर है। इसी होटल में यह घटना घटी और एक प्रकार से यह भी कहा गया है कि इंसान के लिए पेट की भूख सबसे बड़ी है। गौरतलब है चंद्रपुर में 10 तारीख से 13 तारीख तक कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसकी वजह से हर तरफ जनजीवन ठप हो गया था। दुकान, होटल्स, रोजगार सब कुछ बंद थे और ऐसे में दैनिक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों पर एक मुसीबत आ पड़ी। रोजगार नहीं, जिसके कारण पैसे भी नहीं और ऐसे में खाना कहां से मिलेगा, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया। और अंत में इन्हीं सब बातों के चलते एक युवक ने चोरी करने का निर्णय लिया। 10 सितंबर को रात्रि के दरमियान यह युवक होटल सचिन में पहुंचा। बेतहाशा भूख और प्यास से व्याकुल इस युवक ने सबसे पहले उसने फ्रिज खोला, फ्रिज में मौजूद पानी की बोतल निकाला और भरपूर पानी पिया और वापस उसने उस बोतल को फ्रिज में रखा और उसके बाद वहाँ पर होटल में जो मौजूद जो खाने की वस्तु थी उसे खाने लगा और कुछ उसने अपने जेब में भी भरा और उसके बाद वह जाकर होटल के मालिक की कुर्सी पर कर बैठा और जब उसने ड्रावर खोला तो उसमें बड़ी रकम दिखाई दी, मगर उसने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन होटल के मालिक ने जब अपना होटल खोला, सीसीटीवी कैमरे को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ पर मौजूद उसने पैसे गिने, उसमें सारे पैसे मौजूद थे। मात्र पेट की भूख मिटाने के लिए इस युवक ने यह कृत्य किया, यह उसके ध्यान में आया और उसने मानवता का परिचय देते हुए इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। तो सुनिए इस संदर्भ में स्वयं उस होटल मालिक ने क्या जानकारी दी। प्रथम दृष्टया असा आदळला का तो भुकेला होता आणि तानेजला होता। या लॉकडाऊन मुळे कोणते हॉटेल सुरू नाही, रेस्टॉरंट सुरू नाही, त्याच्यामुळे त्याला खायला प्यायला काही भेटलं नसं, त्याच्यामुळे तो इथं आला आणि पाणी पिऊन खाऊन गल्ल्यामध्ये पैसे असताना मापले पैसे मोजले त्यांना, पण गल्ल्यामध्ये परत ठेवून चालला गेला।